हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपको एक ब्रांड न्यू सेटअप जो मैंने रिसेंटली अपग्रेड किया है। आपको भी पता होगा कि मैंने लैपटॉप से सीधा पीसी पे शिफ्ट हुआ हूँ। सुबह के 5:30 बजे हम हैदराबाद के लिए निकल गए थे और पहुँचते पहुँचते हमारे को 9 भी बज गए थे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो आराम से भी गाड़ी चलानी थी। हम 9 बजे पहुँच गए, फिर ना ट्रैफिक में, हैदराबाद की ट्रैफिक बहुत होती है। उसके बाद हम करीब 10 या 11 बजे हम श्वेतास कंप्यूटर में पहुंच गए थे। उससे पहले हम बहुत सारी जगह पर घूमे, कहाँ हमारे को ना प्राइस कम मिलेगा ग्राफिक कार्ड का, क्योंकि RTX 3060 इतना महंगा हो चुका था कि डबल ट्रिपल रेट में मिल रहा था। हमारे को रीजनेबल प्राइस श्वेतास कंप्यूटर में जाके मिला। उसके बाद हमने सब कंपोनेंट्स ले लिए। कंपोनेंट्स लेने के बाद बिल्ट होना चालू लगा। और हर गेमर की एक ख्वाहिश होती है जो अपना ग्राफिक कार्ड खुद हाथों से अनबॉक्सिंग करे, और जो अनबॉक्सिंग करने में जो फीलिंग आई थी, दिल को सुकून मिला, मेरे दिल से अच्छा लगा। उसके बाद इंस्टॉलेशन होने के बाद, मदरबोर्ड का इंस्टॉलेशन होने के बाद, पूरा सेटअप होने के बाद, हम पैक कर दिए। पैक होने के बाद हम घर के लिए रवाना हो चुके। हमारे को 6 बजे से पहले पहुंचना था, फिर क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा था हमारे इसमें, तो हम उधर श्वेतास कंप्यूटर से 4 बजे निकले बिना खाए। हम घर पे अराउंड 6 बजे पहुंच गए थे, और घर पे आने के बाद मैंने सब प्लग इन किया। उसके बाद मैंने बोला कि मम्मी इसकी पूजा करो, तो मम्मी ने बोला कि भाभी करेंगे। तो भाभी ने थाली लेके आए। थाली लेके आने के बाद पूजा की। पूजा होने के बाद फर्स्ट बूट भाभी का होता है। बूट होने के बाद मैंने टेम्पर्ड ग्लास से वो पील हटाया, और जो सेटिस्फेक्शन मिला ना मेरे को, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट। और इसी के साथ हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट होता है। ये सेटअप बनाने में मेरे लग गए थे पूरे। इसी के साथ हम वीडियो के एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेक श्योर टू द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।